मेरी भी गाड़ी को रोका गया है और मेरी गाड़ी को अगर ट्रकों को लगा दिया गया है तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। चीज की मैं बताऊंगी, और तो और मेरी गाड़ी पे पत्थर भी फेंके गए। भरतपुर से बीजेपी की महिला सांसद रंजीता कोहली पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। माइनिंग माफिया के निशाने पर है बीजेपी की सांसद रंजीता कोहली। रंजीता कोहली की गाड़ी को पहले माइनिंग माफिया ने ट्रकों को लगाकर रास्ता रोका, इसके बाद इनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। गनीमत ये रही कि सांसद रंजीता कोहली के साथ उनके गनर और सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सुरक्षा गार्डों ने ही रंजीता कोहली की जान बचाई। दरअसल भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली को काफी वक्त से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी और उसी शिकायत का संज्ञान लेने रंजीता जब माइनिंग एरिया में पहुंची तो इनकी जान आफत में पड़ गई। रंजीता कोहली पर ये चौथा जानलेवा हमला हुआ है। मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं और आज मैं मौके पर यहाँ पहुंची हुई हूँ और जिस तरीके से मैंने देखा है कि यहाँ पर पूरा ही अवैध खनन चल रहा है ज्यादा खांजी का और प्रशासन के साथ मिली भगत बन करके, और मैं कहती हूँ कि इतना अवैध कर दिया कि यहाँ पर पानी ही निकल गया जमीन से, तो इसको अगर नहीं रोका गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल खटखटाऊंगी। शिकायतें मिलती हैं और प्रशासन यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं करता। मैं भी यहाँ पहुंची हूँ, मेरी भी गाड़ी को रोका गया है और मेरी गाड़ी को अगर ट्रकों को लगा दिया गया है तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है मिलकर के। जायदा खान जी का ये पूरा ही है जो अवैध चल रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी और केंद्र में जाकर के भी इस चीज की मैं बताऊंगी, और तो और मेरी गाड़ी पे पत्थर भी फेंके गए। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली का सीधा आरोप राज्य मंत्री जाहिदा खान पर है। रंजीता कहती हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन और राज्य मंत्री जाहिदा खान ने यहां के खनन माफिया को संरक्षण दे रखा है, लेकिन अब वो चुप बैठने वाली नहीं, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगी। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उनके आवास के बाहर हमलावरों ने 3 राउंड फायर किए थे। उनके घर के बाहर जान से मारने की धमकी भरा पोस्टर भी चिपकाया गया था। इसके बाद सांसद की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। इससे पहले पिछले साल ही मई में रंजीता कोहली पर देर रात जब हमला किया गया तब वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही थी, उनकी कार पर हमला किया गया था। हमलों के बाद सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से सांसद रंजीता कोहली पर एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। बीजेपी आला कमान को फौरी तौर पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।